हमने आज तक औरत की तरबियत की है, मगर हमारे यहाँ पे आदमी की और लड़के की तरबियत को निग्लेक्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो जहाँ पे भी खातून देखता है उसके ऊपर कूदने की कोशिश करता है। आप जब बाहर यही लड़के जाते हैं, जब वहाँ पे गोरियों को देखते हैं, तो तब क्यों इनके ऊपर जो है सब्र वाला पैमाना जो है वो लग जाता है? हमारे यहाँ पे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा है। 1 और 5 का इशारा वो देगा तो जो इर्द गिर्द के लोग होंगे उनको ये बात पता होगी, बच्चे के लिए हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके बच्चे को रेस्क्यू करवा सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे इंसिडेंट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है और फिर हमारी एक कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है। ये वाक़यात पेश इसलिए आते हैं कि मुखीर लोग जो होते हैं या जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जब उनको लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर यकीन नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं इसकी सज़ा उनको मिलेगी, तो फिर वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो कर रहे होते हैं। और इसके बार बार होने की जो मेन एक वजह है वो यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, और फिर इस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है कि जब कभी लोग मुश्किल हालात में हो वो अपने मतलब की चीज़ें जो हैं वो करना शुरू कर दें और अपने फ़ायदे से निकालना शुरू कर दें। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जो है कम्युनिटी जो है, जब तक आप ये ज़रूर याद रखें कि जब आप किसी सोशल ईवल को ख़त्म करना चाहते हैं, जब आप किसी सोशल ईवल के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, क्योंकि इंडिविजुअल अगर काम करेगा तो उसकी एफर्ट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। इस तरह के सोशल ईवल्स को ख़त्म करने के लिए एज ए कम्युनिटी आपको काम करने की ज़रूरत होती है और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है, और उसमें हर लेवल के बंदे को आपको इसमें शामिल करना पड़ता है। आप अवेयरनेस से चीज़ें स्टार्ट करते हैं और आप कम्युनिटी के अंदर इस अवेयरनेस को क्रिएट करते हुए हर बंदे को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि उसने माशरे में जो बच्ची और बच्चा मौजूद है उसकी हिफाजत बिल्कुल इस तरह से करनी है जैसे वो अपने बच्चे और बच्ची की हिफाजत करते हैं। तो हमें इस तरह के जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, जो सोशल ईवल्स हैं, उनका तदारुक कर सकते हैं हम। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो हम विक्टम ब्लेम करते हैं ना, हमें इस बिहेवियर को फॉर गॉड से किसको चेंज करें कि ये जी उसने कपड़े इस तरह के पहने हुए थे। बहुत सारे टाइम पे आदमियों ने भी बहुत इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, हम तो ऐसे इवेंट्स नहीं, इंसिडेंट्स नहीं देखते कि औरत ने उसके कपड़े पहने हुए थे ऐसे वो बड़ा हैंडसम लग रहा था उसके ऊपर पड़ गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ना ही ऐसा कभी किसी ने देखा है। हालांकि ये मैं ये नहीं कह रही कि हैंडसम मर्दों को देख के औरतों के अंदर फीलिंग्स नहीं आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, मगर क्या चीज़ उनको रोकती है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। हमने आज तक औरत की तरबियत की है और उस औरत की तरबियत करने का हमें फ़ायदा भी हुआ है कि अगर अब वो हैंडसम आदमी देखती भी है तो उसके ऊपर कूद नहीं पड़ती, उससे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करती। मगर हमारे यहाँ पे आदमी की और लड़के की तरबियत को निग्लेक्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो जहाँ पे भी थोड़ी सी एक ब्रॉड या इस तरह की खातून देखता है जो उससे हैंडल नहीं होती उसके ऊपर कूदने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी मैं बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ जो बड़े सख्त किस्म के, लेकिन ये हकीकत है एक्चुअली कि आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई लोगों की, लड़कों की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि उन्होंने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। आप जब बाहर यही लड़के जाते हैं, जब वहाँ पे गोरियों को देखते हैं, तो तब क्यों इनके ऊपर जो है सब्र वाला पैमाना जो है वो लग जाता है? क्योंकि वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट है, वहाँ पे इनको पहले से पता है कि यहाँ पे ये भी कोई भी हरकत करेंगे तो ये फौरन पकड़े जाएंगे, या ये हरकत नहीं कर सकते क्योंकि उस सोसाइटी में बड़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं कि औरत या मर्द बरहना भी जा रहा हो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से इतनी सख्ती से नहीं है कि औरत बेशक हम देखते हैं बुरके में भी जा रही हो, आपने वो इंसिडेंट भी देखा होगा कि एक औरत बिल्कुल बुरके में जा रही थी और एक मौलवी साहब बाइक से आ रहे थे और उन्होंने उनको टच किया, उनको उनके साथ उन्होंने नाजेबा हरकत की, तो फिर हम इस चीज़ का इल्ज़ाम इस पर नहीं दे सकते कि जी कपड़े ये पहने हुए थे। स्टॉप दिस विक्टिम ब्लेमिंग, एक्चुअली ये आपको उस बंदे को सरजंश करने की ज़रूरत है जो ये हरकतें करता है, और उस बंदे में बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो कि बच्चों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो पीडोफीलियाज होते हैं, उनके दिमाग में जो है बच्चों के साथ सेक्स करके उनको प्लेजर जो है वो मिल रहा होता है, इसलिए वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये पूरी दुनिया में इस तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। मगर हमारे यहाँ पे इंसिडेंट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है और फिर हमारी एक कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है। जब हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात जो हैं कम से कम रूनमा होंगे, क्योंकि हर बंदा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे हुए होगा। एंड देन जो है फिर हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ पे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा है। अब छोटे बच्चे के मुंह के ऊपर हाथ रख के उसको इधर उधर कर देना इतना आसान है कि उसने क्या कर लेना है, कितना कुछ ज़्यादा वो कुछ कर सकता है। तो वो इसलिए हमारे यहाँ पे बच्चों में हमें ज़्यादती के जो है वो इंसिडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, मगर हमें इसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि एक ऑलरेडी एक
वो चल रही है। एक हेल्पलाइन जो है वो इस वक्त बड़ी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है, जो कि 15 वाली है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कहीं पर आप देखें कि कोई बच्चा किडनैप हो गया है, कोई बच्चा जो है वो कोई अजीब सी, यानी एक कोई किसी ऐसे आदमी के साथ जा रहा है जो कि मशकूक लग रहा है आपको, तो आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे उस साइन में वो लोग सिखाते हैं कि जैसे वो बच्चा जो है, आप अगर आप उसको एजुकेट करें कि उसने 1 और 5 का जो है वो इशारा देना है, 1 और 5 का इशारा वो देगा, तो जो इर्द गिर्द के लोग होंगे उनको ये बात पता होगी कि 1 और 5 का क्या मतलब है। तो वो इसको इस्तेमाल करते हुए बच्चे के लिए हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके बच्चे को रेस्क्यू करवा सकते हैं। सो वी नीड टू एक्चुअली एजुकेट सच काइंड ऑफ थिंग्स कम्युनिटी में भी और बच्चों को भी, कि उन्होंने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल के लोग जो हैं वो भी एजुकेटेड होंगे, उनको पता होगा कि 1 और 5 बच्चा क्या इशारा दे रहा है। ये पूरी दुनिया में कैंपेन चल रही है, हर कोई अपने मुल्क में ये चला रहा है, और पाकिस्तान में भी ये कैंपेन चल रही है कि आप 1 और 5 जो है उसको बच्चे को सिखाएं कि उसने इस तरह से इशारा करना है, वो जिस भी मुश्किल में है, जिस तरह से भी है, वो उसको वहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता है।